हाँ जी बेटे, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। ते फिलहाल तक आपां की कीता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ते उहदे रिलेटेड जिहड़े प्रॉब्लम सीगे, ठीक है। तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट हैडिंग। हैडिंग लिख लो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो पहला मैं ना दोनों का डिफरेंस समझा देना। मोटा मोटा मतलब की होंगे परमुटेशन का। परमुटेशन मीनस पुत्र अरेंजमेंट, चीज़ों को अरेंज करना, ठीक है। कॉम्बीनेशन का मतलब होंगे सिलेक्ट करना, ठीक है। पहला तो लफ्ज़ों का मतलब की है। परमुटेशन जिते भी कहे ना, परमुटेशन ऑफ दीज थिंग्स, मतलब उत्थे आप उन्होंने चीज़ों को अगे पिछे अरेंज करना, मतलब उत्थे ऑर्डर मैटर करेगा कि कि चीज़ पहला आई है, कि चीज़ बाद चाहिए। जिदा मैं एग्जाम्पल ना समझाना, मैं कहाँ कि तीन चीज़ें आया बेटे ए बी सी, इन्हों चो। अच्छा एक चीज़ हो जी, परमुटेशन है या अरेंजमेंट है, वो चीज़ें जरूरी नहीं डिफरेंट हो, चीज़ें सेम भी हो सकती। जिदा मैं कहाँ इन्हों अरेंज करो, ठीक है। इट माइट बी डिफरेंट, बट वो असी जिमें जिमें अगे जावे तो सेम, अगर कुछ चीज़ें हो तो किमें टैकल करना, वो आर्टिकल अलग बना लेंगे, डिफरेंट है तो आर्टिकल अलग समझा देंगे। बट परमुटेशन लफ्ज़ का मतलब है चीज़ों को अगे पिछे अरेंज करना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहाँ कि तीन चीज़ें ए बी सी है पुत्र, इन्हों चो दो नू चक के, या मैं कह सकता परम्यूट कराओ, या मैं कह सकता अरेंज करो, ठीक है। सो मैं कहाँ ए बी सी तीन चीज़ें आ, इन्हों तिना चो दो नू चको तो पॉसीबल वे ना परम्यूट कराओ या अरेंज करो, तो किहड़े किहड़े बनते हैं। अच्छा, या तो ए ते बी आ जाए, ठीक है, या ए ते सी, या बी ते सी, ठीक है। ए पहला रखे फिर बी बाद, हुण बी पहला रखे ए बाद, ये अलग अरेंजमेंट है, ठीक है। जिदा यू कैन सी के कोड होंगे कोई 1 2 लिखा तो 2 1, दैट डिफरेंट। तो ये ऑर्डर मैटर करेगा, अरेंजमेंट अलग अलग है, आ अलग अरेंजमेंट है, आ अलग अरेंजमेंट है। तो इदा ही ए सी ते सी ए, दे आर डिफरेंट अरेंजमेंट्स। तो बी सी ते सी बी, ठीक है। सो बेसिकली आ यदि अरेंजमेंट्स बनी हैं तिना चो, मैं की कहा सी दोनों चक्को तो अरेंज कराओ, ठीक है। मतलब हर एक पॉसिबल वेज तुम अरेंज करना, समझे गल। तो इस ऑर्डर मैटर किया कि ए पहला है बी बाद, बी पहला ए बाद, ये दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट है, दैट इज़ द मीनिंग। सो सिलेक्शन जी है, कॉम्बीनेशन का मतलब होंगे कि सिर्फ चीज़ों को पिक करना है, सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है, उन्होंने अगे पिछे अरेंज नहीं करना है, बस पहला स्टेप है, जस्ट पिक दैम अप, सिलेक्ट करना है। तो अगर ऐसे ही क्वेश्चन मैं कहाँ कि तीन चीज़ें ए बी सी है, ठीक है, इन्हों जो मैं कहाँ दो चीज़ें सिलेक्ट करो, किन्ने तरीके ना सिलेक्ट कर सकते हो। हुण या तो मैं ए ते बी चीज़ सिलेक्ट कर ली, ठीक है, पिक कर ली, तुसीं इहनूं इदां समझो तीन किताबां तुहाडे मूहरे पईआं ए बी सी, वो कहिंदा जी दो किताबां चक्को, हुण तुसीं ए किताब चक ली, बी किताब चक लिया, एक तरीका हो गया किताब दो किताबां चकण दा। हुण ए बी बी ए नहीं सानूं उहने कहा चकण नूं, कहा उहने गाहां कलाकारी करनी नहीं है, मतलब जस्ट पिक द ऑब्जेक्ट्स, दैट्स इट, सिलेक्ट कर लिया, गल खत्म। मतलब इत्थे गल मुक गई। तो या तो ए ते बी किताब सिलेक्ट हो गई, या ए ते सी सिलेक्ट कर लो, आ ते आ हर एक पॉसिबल वे ना, या बी ते सी, ठीक है। सो इत्थे तक तुहाडी आ सिलेक्शन हो गई, गल खत्म। सो मैं कहूँगा कि दिस इज़ लाइक तीन पॉसिबल तरीके ना असीं दो दो ऑब्जेक्ट की कॉम्बीनेशन बना सकते हैं, मतलब कॉम्बीनेशन या सिलेक्ट करना, समझे गल। सो आ थोड़ी नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन तीन है, एक तरीका, दूजा, तीजा, आ थोड़ियाँ सिलेक्शन है या कॉम्बीनेशन है, ठीक है। इस करके पहले तो इन दोनों वर्ड का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कॉम्बीनेशन हमेशा घट होनी है, क्योंकि सिलेक्ट ही किया है। और अगे कॉम्बीनेशन अगर मैं अरेंज करा ए बी दी बी ए, ए सी दी सी ए, बी बी सी दी सी बी, तो ए फिर अगे अरेंजमेंट आ जाती। तो अरेंजमेंट सटनली ज़्यादा हो गया, कॉम्बीनेशन इन जनरल, ठीक है, घट हो गया, ठीक है। और कॉम्बीनेशन जस्ट पिक करना। हुण जिवें मैं तुहानू कहां, तीन स्टूडेंट है, कोई टीचर ने कहा दो स्टूडेंट आओ, है ना, दो तरीके इस तरीके ना दो स्टूडेंट नू सिलेक्ट कर सकते, तो ठीक है, या तो ए बी स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएगा, या ए सी तो या बी सी। हुण उन्हें सिलेक्ट करके ये नहीं कहा भी अगे पिछे खड़े होवो, उन्हें कहा बस पिक करने, ठीक है, इज दैट क्लियर। सो ए कहेगा कि जिदा हुण आही किताबां दी एग्जाम्पल फिर लैणा, मैं कहां तीन किताबां आ ए बी सी, ठीक है। तो मैं कहां कि किन्ने तरीके ना तुसीं दो किताबां सिलेक्ट कर सकते हो, जी कहो यार एक तरीका आ वाला हो, ए बी सिलेक्ट होगी किताब,
एक एसी किताब सिलेक्ट होगी तो एक बीसी, ठीक है, यू अंडरस्टैंड दैट। अब वो क्या कोई ए ते बी किताब हाथ पढ़ ली, एक तरीका हो गया, या ए ते सी चक लो या बी ते सी। अच्छा हुण अगे अगर मैं कहाँ कि किन्ने तरीके ना तिना किताबों चो दो किताबा चक के एक शेल्फ ते अरेंज करो, ठीक है, शेल्फ है उत्थे अरेंज करो, ठीक है। हुण उन्हें अगे कहता है तो या तो तुसी ए बी चकोगे, पहला ए रखती फिर बी रखती आ अलग अरेंजमेंट है, या पहला बी रखी फिर बाद ए रखी ए डिफरेंट अरेंजमेंट, ठीक है। फिर जब वो अरेंज करने कहे, ठीक है, उत्थे फिर आप परमुटेशन वर्ड वरते हैं या परमुटेशन करते हैं। सो फिलहाल मैं सिर्फ तुम्हें यह समझाने की कोशिश की दोनों का फर्क की है। सिलेक्शन कॉम्बीनेशन मतलब जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट द थिंग्स, पिक द थिंग्स, कितने कितने वरते हैं, या कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स। वो कहेगा कि थोड़े को प्लेइंग कार्ड है 22 कार्ड सिलेक्ट करो, सो उन्हें सिर्फ कार्ड चक्कर नु क्या, ठीक है, पिक टू कार्ड्स। या मैं कहाँ कि 20 बंदे हैं, 20 बंदे चो दो तीन बंदे का डेलीगेशन पिक करो, सिर्फ पिक करने हैं, ठीक है, ए बी सी बंदा आ गया या ए डी सी एंड सो ऑन, सिर्फ पिक करने हैं, उन्हें अरेंज करना नहीं किया। परम्यूटेशंस की है, वो कहेगा जी वर्ड बनाओ अगे पीछे अरेंजमेंट करो परम्यूट कराओ, ठीक है, तो उत्ते आप आ लाने, ठीक है। सो फिलहाल तो सिर्फ मैं इन्हों दोनों वर्ड का डिफरेंस दसिया, एक बार फिर रिपीट करना, परम्यूटेशन मीन अरेंज करना, उस ऑर्डर मैटर करता, कॉम्बीनेशन मतलब सिलेक्ट करना, सिर्फ आप पिक करनी है, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा हुण उहदे बाद की करदे कि हालांकि अज दी वीडियो मोस्टली मैं कॉम्बीनेशन ते टारगेट रखूँगा, बट फिर भी टू बिगिन विद फॉर्मूले या पॉइंट्स लिखने शुरू कर दो। पहला पॉइंट लिख लो। अच्छा पहला पॉइंट लिखाने तो पहले ना बेटे मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लैना, सो दैट थोड़ा जनरल रिजल्ट फिर ईजीली समझ आ जाए, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी दे चुके हैं, आई एम इंटेंशनली गिविंग इट सो दैट तुहानू आइडिया हो जाए कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ते अरेंजमेंट का की कनैक्शन है, ठीक है। अच्छा अगर मैं कहाँ कि तीन चीज़ा ए बी सी है डिफरेंट चीज़ा, इन्हों इन तिना जगह पर पॉसिबल वे ना रखो, तो की कर दो भी आ जगह तीन तरीके ना भर ले कोई भी आ गया, और आ दो ना ते आ एक ना, ठीक है, क्योंकि एक चीज़ आप एक बारी वरतनी है, ठीक है, क्या है उन्हें, तो थ्री फैक्टोरियल वे ना आपां इन्हां तिन्हां चीज़ां नूं इन्हां तिन्हां जगह ते रखता। नाउ अगर मैं कहां कि किहड़े किहड़े तरीके बनते हैं, हरे थ्री फैक्टोरियल या छे तरीके किहड़े है, आ तीन की शो करदा भई आ जगह ते या ते ए आ जाए या बी ते या सी, एंड इहदे कोरसपोंडिंगली दो किहड़े होए, ए वरत्या गया बी आ जाए या सी, बी वरत्या गया ए ते सी, समझ आ रही गल, सी है ते ए ते बी, एंड फिर ये कोरसपोंडिंगली एक किड़ा है क्योंकि ए भी वरत्या गया बी भी वरत्या गया फिर सी आ जाए, सिमिलरली इतने बी इतने सी ए बी ते ए। सो आ हो गया कि इन्हों तिना चीज़ों इन्हों तिना जगह पर रखने के पॉसिबल तरीके, और वो तरीके किड़े किड़े बने, आ बन गया ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, फिर आ गया ए सी बी, फिर बी ए सी, ठीक है पुत्र, बी सी ए सी ए बी सी बी ए। अच्छा क्वेश्चन में किस लैंग्वेज पूछा सी कि इन्हों तिना चीज़ों इन्हों तिना जगह पर रखो, तिने चीज़ा डिफरेंट इन्हों तिना जगह पर रखो, एक चीज़ में एक बार वरत्या तो तरीके कढ़े छे आ गए। और इसी चीज़ में अगर मैं हुण कहां कि तीन डिफरेंट चीज़ा आ, इन्हों तिना नू किन्ने तरीके नाल तुसी पॉसिबल वे ना अगे पिछे अरेंज कर सकते हो, तो आ बेसिकली अरेंजमेंट ही आ गई ना, ए बी सी तीन डिफरेंट जिहड़े लेट्स लैटर्स आ उन्होंने हरेक पॉसिबल वे ना अरेंज करिए तो आ ही आई। सो ये बेसिकली की थोड़े को आया, ये नंबर ऑफ परम्यूटेशन आ गई हैं, ठीक है, तीन अलग अलग चीज़ा उन्होंने सारे नु चक्या तो परम्यूट कराता, नंबर ऑफ वेज आर थ्री फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा अगर हुण मान लो चीज़ा होनी चार तो की होना सी, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड विद फोर एंड थ्री एंड टू एंड वन, तो आंसर किन्ना आना सी, फोर फैक्टोरियल, ठीक है। तो यदा मतलब जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर साढ़े को एन डिफरेंट चीज़ आया, ठीक है, मतलब एन जगह होनी है, एन दियाँ एन चक के भरना है और मतलब अरेंज करना है, तो किन्ने तरीके होने हैं एन फैक्टोरियल, तो ये रिजल्ट लिख लो नंबर वन के वी हैव एन डिफरेंट थिंग्स
ठीक है, दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पहला यही देखना है कि डिफरेंट होने चाहिए। कोई भी एक सेम होगी फिर ए वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, नोट दैट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इफ़ वी हैव एन डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑल दीज एन ऑब्जेक्ट्स, सारे नु कर रहे हैं एन चक्कियाँ, सारे नु अगे पिछे परम्यूट कराया अरेंज किया, इज गिवन बाय एन फैक्टोरियल। ठीक है, और एक कितों रिजल्ट आया, फंडामेंटल प्रिंसिपल, तो ये याद रखियो क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आप इनू वरतेंगे भी। और किदा ड्राइव किया कि साढ़े को एन जगह हो गई, ठीक है, मान लो तो पहली जगह नु भरन के किन्ने तरीके, एन, ठीक है, दूजी नु भरन दे एक भरी गई एन माइनस वन, ठीक है, एक होर कट गई एन माइनस टू, और करते करते लास्ट किन्नी बच जाएगी थोड़े को, ठीक है, दो ते लास्ट एक बच जाएगी। सो ये तरीके होने हैं, दैट इज़ नथिंग बट एन तो लैके एक तक द मल्टीप्लीकेशन, दैट इज़ एन फैक्टोरियल। सो अगे तो कितने भी आ गए कि एग्जाम्पल ला लीए, मैं कह कि चार या पाँच डिफरेंट किताबा आ, ठीक है, किन्ने तरीके ना एक शेल्फ ते इनू अगे पिछे अरेंज कर सकते हैं सारिया नू, फाइव फैक्टोरियल, अगे तो डायरेक्ट लिखो, ठीक है, या दस बॉयज़ आ, ठीक है, वो किन्ने तरीके ना उन्होंने एक रोच अरेंज कर सकते हैं दसा दसा हरेक पॉसिबल वे ना, ठीक है। अच्छा, बॉयज़ तो डिफरेंट ही होंगे बेटे, जिड़िया भी गॉड मेड चीज़ा है ना उन्होंने आप डिफरेंट मानते हैं, ठीक है, ये नहीं कहना ट्विंस है सेम सेम जो है बेटे, वो अलग अलग ही है, ठीक है, गॉड मेड थिंग्स असी डिफरेंट मानते हैं, तो कोई भी इंसान दो अड्ड अड्ड ही होंगे, ठीक है, एन। सो दस बॉयज़ है, किन्ने तरीके ना दस फैक्टोरियल वे ना अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो ए वाला फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला नंबर दो लिख लो, अरेंजमेंट ऑफ, हाँ जी, आर थिंग्स टेकन फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, डिफरेंट होनी चाहिए चीज़ें, अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स टेकन फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स इज इक्वल टू, तो पहले तो समझो उपर वाले केस तो की फर्क है, उपर की सेगा तुहाडे को एन चीज़ा सी डिफरेंट, उन्हां दी एन दियाँ एन नू चक्या अगे पिछे परमूट कराया, नंबर ऑफ वेज किन्ने सी, परमूटेशन दे अरेंजमेंट दे एन फैक्टोरियल, ठीक है। हुण कहिंदा वो एन चीज़ा चो आर चक के अरेंज करनी है, तो अगेन आपां फॉर्मूला लिखण तो पहला एक एग्जाम्पल ना समझदे, तो मान लो मैं कहां कि मेरे को आ तीन डिफरेंट चीज़ा है, इन्हां तिना चो दो चक्को ते अरेंज कराओ, ठीक है, तो अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल लाइए, मैं कहां जी मेरे को हुण जगह दो आ, इन्हां नू दो जगह च भरना पॉसिबल वे ना, तो की होएगा, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड विद थ्री वेज, कोई भी आ जाएगा, एंड दिस कैन बी फिल्ड विद टू वेज, जिहड़ा एक बार आ गए तो दूजी बार आना नहीं, सो मेरा आंसर आ जाएगा। और ये आंसर अगर तुम देखोगे तो है की कि तरीके बनते हैं, आ तीन की है, या ए आ जाए या बी या सी, एक पर आ गया, आ दो की है, जिहड़ा आ गया वो नहीं आएगा, या बी आ जाएगा या सी, सी ते ए, ए ते बी, सो देयरफॉर फाइनली जिहड़ियां अरेंजमेंट बनियां किहड़ियां किहड़ियां, ए बी आ गई, ए सी, बी सी, बी ए, सी ए एंड सी बी। सो इफ यू लुक एट दीज अरेंजमेंट्स, ये की है, इन्हां तिना दे विच्चों पहला दो पिक कीतियां कोई भी, उन्होंने अरेंज किया, जिमें अगर ए ते बी आई है तो एक ए बी ते एक बी ए अरेंजमेंट होगी दो दो दी, ते होर ए सी ते सी ए, फिर बी सी ते सी बी। सो बेसिकली की होगा, हुण आपां जब फंडामेंटल प्रिंसिपल लावांगे, जिन्नियां चीज़ां चकनियां, जिमें दो अरेंज करने सी, ते दो मैं स्पेसिस बनाती हूँ, तो अगर मैं आर चीज़ां अरेंज चक के अरेंज करने, तो नंबर ऑफ स्पेसिस या मेरिया आर हो जाएगी, तो इन फिर आपां इन्हां नूं अरेंज कर देंगे, ठीक है। सो आपां एवें करते हैं, फॉर्मूला हुण ड्राइव कर लैंदे। अच्छा, चीज़ां किन्नियां अरेंज करनियां, आर किन्नियां चो, एन चो, ते आपां की करिए, इहदा मतलब नंबर ऑफ स्पेसिस जिहड़ियां पुत्तर ए हो जाणियां आर, सो वी हैव आर स्पेसिस, आई होप आ गल समझ आ गई ना। सो जिन्नियां चीज़ां चक के अरेंज करनियां, तो आर जगह बना लईआं, एन चो आर अरेंज करनियां, सो वी हैव आर स्पेसिस, नंबर ऑफ थिंग्स किन्नियां डिफरेंट, एन, हाँ जी, हुण भरदे आ आ जगह नूं भरन दे किन्ने तरीके, नाल ना मैं मार्क करना पहली जगह, दूजी, तीजी, चौथी, डॉट डॉट डॉट, दिस इज लेट्स से आर्थ स्पेस, ठीक है बेटे।
ਹੁਣ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਸ। ਪਹਿਲੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਐਨ ਤਰੀਕੇ, ਇੰਟੂ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਟੂ, ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਥ੍ਰੀ, ਘਟਦੇ ਘਟਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਕੈਨ ਯੂ ਥਿੰਕ? ਅੱਛਾ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਆ ਅਤੇ ਦੋ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਰ ਆ ਅਤੇ ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਿੰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੋ ਜਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਇੱਕ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਆਰ ਮਾਈਨਸ ਵਨ। ਸੋ ਆ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ, ਸੋ ਦੇਰਫੋਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ ਆਫ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਐਨ ਇੰਟੂ ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਵਨ ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਟੂ ਡੋਟ ਡੋਟ ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਆਰ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲ ਦਈਏ ਬੇਟਾ ਅੰਦਰ, ਪਲੱਸ ਵਨ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਐਨ 'ਚੋਂ ਆਰ ਚੱਕੇ ਅਤੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਬਟ ਸਟਨਲੀ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਕਿ 10 ਇੰਟੂ 9 ਇੰਟੂ 8 ਇੰਟੂ 7, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਸਿੰਪਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ 7 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਆ ਇੱਕ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, 6 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਆ 6 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕੀ ਹੈ? 6 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਫਰ ਦਾ 6 ਇੰਟੂ 5 ਇੰਟੂ 4 ਇੰਟੂ 3 ਇੰਟੂ 2 ਇੰਟੂ 1। ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ 10 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਝਾਈ ਗੱਲ? ਤੋ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਡ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਿੱਧਾ 10 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ 10 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਾਏ 6 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਟੂ ਪੁੱਟ ਇਟ। ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘਟਾ ਦਿਉ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਆਰ। ਸੋ ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਸੋ ਆਹ ਟੋਟਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਨ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਹ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਤੱਕ ਆਏਗਾ, 1 ਤੋਂ ਐਨ ਤੱਕ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਐਨ ਪੀ ਮਤਲਬ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਆਰ ਕਹਿ ਦਿਉ, ਐਨ ਪੀ ਆਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆਰ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਐਨ ਪੀ ਆਰ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਹ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਐਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿਸ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕਹਿਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਪੀ ਸਟੈਂਡ ਫੋਰ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਐਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਰ ਚੱਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਪੋਸੀਬਲ ਵੀ ਨਾ, ਪੀ ਮਤਲਬ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਐਨ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਾਏ ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਸੋ ਜਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਆਈ ਹੋਪ ਆ ਦੂਜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ, ਐਨ ਦੀਆਂ ਐਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਆਰ ਐਨ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਫਿਰ ਐਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਰ ਚੱਕੀਆਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਆਰ ਐਨ ਪੀ ਆਰ, ਜਾਂ ਦਿਸ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਐਨ ਪੀ ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਾਏ ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਲਿਖ ਲਈਏ ਵੰਸ ਅਗੇਨ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਐਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਟੇਕਨ ਆਰ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆਰ ਨੂੰ ਪਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਹਰੇਕ ਪੋਸੀਬਲ ਵੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਊ, ਐਂਡ ਜਦ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਲੋਟ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ
ਅਤੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਐਨ 'ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪੋਸੀਬਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹਰੇਕ ਪੋਸੀਬਲ ਵੇ ਨਾਲ ਆਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰ ਓਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਹਰੇਕ ਪੋਸੀਬਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਦਿਸ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੀਏ ਆਰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਰ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਸੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਾਏ ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ ਆਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ ਆਰ ਓਬਜੈਕਟਸ ਕਿੰਨਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਐਨ 'ਚੋਂ, ਐਨ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰ ਓਬਜੈਕਟ ਆਈਆਂ, ਹਰੇਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਆਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ। ਲੈਟ ਅਸ ਅਰੇਂਜ ਦੀਜ ਆਰ ਓਬਜੈਕਟਸ ਇਨ ਈਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਦੇਰਫੋਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਹਾਂਜੀ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਇਨ ਟੂ ਆਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ, ਆਰ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਸੋ ਦੇਰਫੋਰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਰ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੋ ਵੀ ਸੇ ਦਿਸ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਨ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਾਏ ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਆਰ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੈਟ ਅਸ ਕਾਲ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਐਜ਼ ਐਨ ਸੀ ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੋਟ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨ ਸਿਲੈਕਟ ਪੋਸੀਬਲੀ ਆਰ ਥਿੰਗਸ ਫਰੋਮ ਐਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ। ਸੋ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਟ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਆਰ। ਤੋ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਇਫ ਵੀ ਹੈਵ ਐਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ, ਇਹ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਫ ਵੀ ਹੈਵ ਐਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਿਲੈਕਟ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਿਲੈਕਟ ਆਰ ਓਬਜੈਕਟਸ ਆਊਟ ਆਫ ਦੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਟ, ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਿਲੈਕਟ ਆਰ ਓਬਜੈਕਟਸ ਫਰੋਮ ਦੈਮ, ਦੈਨ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ ਆਰ ਐਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਸੀਬਲ ਵੇਜ ਆਰ ਐਨ ਸੀ ਆਰ। ਸੋ ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਬਸ ਖਿਆਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਨ ਦੀ ਐਨ ਓਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ, ਐਨ ਸੀ ਆਰ। ਐਂਡ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖਾਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਓਬਜੈਕਟ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾ, ਜੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਚਾਰ ਓਬਜੈਕਟਸ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਟੋਟਲ ਪੋਸੀਬਲ ਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਚਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਰ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਥ੍ਰੀ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਫੋਰ ਪੀ ਥ੍ਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੋਰ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਾਏ ਫੋਰ ਮਾਈਨਸ ਥ੍ਰੀ ਵਨ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਤਰੀਕੇ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪੋਸੀਬਲ ਵੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ। ਤੋ ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਸਿਲੈਕਟ, ਆਹ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਏ ਬੀ ਸੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਰੇਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਏ ਬੀ ਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਏ ਸੀ ਡੀ, ਚੌਥਾ ਬੀ ਸੀ ਡੀ, ਆਈ ਗੈਸ ਆਹੀ ਹੈ ਚਾਰ। ਸੋ ਚਾਰ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਬਣਦੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਜੈਕਟ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹਰੇਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ
फोर वेज ऑफ सिलेक्शन, और हर एक सिलेक्शन दी नू आपस चेंज कर दो। तीन चीज़ा तिना रेंज करा थ्री फैक्टोरियल, हाँ जी कि आएगा ए सी बी बी सी ए बी ए सी, समझ आ रही गल, एंड सिमिलरली सी ए बी एंड सी बी ए। सो दीज आर दी सिलेक्शन एंड ईच सिलेक्शन इज बीइंग अरेंज्ड। आर चीज़ा सी आर फैक्टोरियल अरेंज करता, तीन सीगियाँ थ्री फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल सिक्स आ गया। इधर थोड़े सिलेक्शन हो गए चार, ठीक है, आर सी नंबर ऑफ सिलेक्शन विच इज़ फोर, ठीक है, और हरेक सिलेक्शन की आ हो गई अरेंजमेंट, ठीक है। तीन तीन चीज़ा है, तीन चीज़ा घुमाया तो दैट इज़ थ्री फैक्टोरियल वे छे तरीके ना। सो चार गुणा छे, आ टेबल इदा ही बननिया बेटे, छे इदा ही तो आडे को चौबी अरेंजमेंट आ गई, ए हो गया 24 परम्यूटेशंस। दीज आर द सिलेक्शन एंड ईच सिलेक्शन अरेंजमेंट। तो अगर वैसे फॉर्मूला ला के मैं सिलेक्शन करता कि चार चो तीन सिलेक्ट करना, नो वी कैन अपलाई द नंबर ऑफ वेज वुड बी एन सी आर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4C3, दैट इज 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 3 1 इंटू 3, दैट इज 4। तो चार पॉसिबल वे ना आप इन चारा चो तीन सिलेक्ट कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल ला मैं अगेन ओवर एम्फोसाइज ही करता, बट कहने का भाव की है इन चीज़ा पहला हरेक पॉसिबल वे ना, आ हरेक पॉसिबल वे सी सिलेक्शन का, हरेक सिलेक्शन के कोरसपोंडिंग अरेंजमेंट कर दो, दैट इज परम्यूटेशन, ठीक है। एंड अगे तो जब असी क्वेश्चन करांगे पुत्र परम्यूटेशन दे, तो असी आ वाला मैथड वरतांगे। पहला वो कहेगा जी एन चीज़ा चो आर नू अरेंज करो, तो असी पहला एन चो आर सिलेक्ट करांगे, फिर उन्हां आरां नू अरेंज करांगे, ठीक है। सो एवें करदे हां। और दूजा फॉर्मूला, हाँ, एन चो आर सिलेक्ट करन दा एन सी आर, दिस इज़ द वेरी 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 इंपोर्टेंट फॉर्मूला। एक कद लाना जब आप सिर्फ चीज़ा पिक कर रही हैं, ठीक है। सो हुण इहदे बारे एन सी आर बारे गल करदे हां होर।